वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आर्टिहम। आज के इस वीडियो में मैंने एक हैट बनाया है जो बहुत आसान तरीके से बनाया है। इसी एक मैं कपड़े को, ये जो है प्रिंटेड कपड़ा है, और इसको मैं एक फोर फोल्ड में जमाऊंगी। ये देखिए इसको रखा है मैंने, तो इसको जैसे स्कर्ट, सर्कुलर स्कर्ट काटते हैं उस हिसाब से कपड़े को रखा है। ये देखिए, ये आधा फिर आधा फोर फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से करके फिर इसमें निशान लगाएंगे। तो मैंने इसकी 6 इंचेस जैसे सेंटर में इसकी जो इस तरह से लेंथ ली है, और ये नीचे में मैंने 9 इंच ली है। तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा रखना हो, कम रखना हो, 8 इंचेस भी रख सकते हैं, तो उस हिसाब से इसमें बड़ा छोटा किसी का भी बना सकते हैं। तो थोड़ी बड़े के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लंबाई ले लेंगे। तो ये पूरा एक निशान लगाया है, फिर उसको सर्कुलर पूरा काट लेंगे। ये पूरा एक गोल गोले की तरह कटता है, पूरा एक फुल राउंड होता है। तो ये पूरा काट के फिर उसके बाद इसमें जो सिलाई लगानी है उसका निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, इसमें सिलाई का निशान लगाएंगे। पूरा राउंड है ये, देखिए फुल सर्कुलर है, सर्कल है पूरा का पूरा। अब इसका ये सेंटर करके और इसमें पूरे में निशान, वही जो 6 इंच मैंने किया है उस 6 इंच के हिसाब से ही इसमें मैं पूरे में निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो को, सॉरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। तो हम चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें 6 इंच की लेंथ पे लेंगे। तो इसमें निशान लगा लिया, जो निशान लगेगा उस पर जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो आधा इंच आगे आधा इंच पीछे करके मैंने स्टिचिंग की है। 2 लाइन लगानी है मेरे को सिलाई की, पूरा राउंड अच्छे से लेके, इसलिए मैंने निशान अच्छे से लगा लिया है जिससे इसमें अच्छे से स्टिचिंग हो। इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा स्टिचिंग नहीं होना चाहिए, पूरा राउंड आना चाहिए स्टिचिंग का। तो पूरा अच्छे से राउंड आएगा, तो उसको पूरा अच्छे से स्टिच कर लेंगे। स्टिच पूरा जो 2 राउंड, ये देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड करके इसलिए निशान लगा रही हूँ, पूरा राउंड में लगाऊंगी तो सेंटर पॉइंट से थोड़ा शायद इधर उधर हो जाए मेरा हिसाब, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक लेके एक जैसा निशान हो जाएगा चारों तरफ, देखिए। अब इसको मैं स्टिचिंग करूँगी, तो पूरा 2 सिलाई जो स्टिच की है, ये देखिए 2 कर ली है मैंने, पूरे 2, ये देखिए पूरे राउंड में आएगा ये 2। इस तरह से करने के बाद अब मैं इसको, ये देखिए एक कॉर्नर भी मैंने फिनिश कर लिया है पाइपिंग से, और एक इसमें मेरे को होल करना है। तो जैसे वो काज बोलते हैं आई बटन के लिए बनाते हैं, उस तरह से मैं तो उसे थोड़ा बड़ा, क्योंकि इसमें मैं डोरी डालूंगी उसके लिए, इससे थोड़ा बड़ा सा उसको मैंने कट किया है, और उसको फिर वही काज की तरह आई जो बोलते हैं उसको पूरा धागे से फिनिश कर लूँगी। फिनिश करने के बाद ये देखिए पूरा अच्छे से फिर उसको उसमें डोरी डालेंगे। डोरी डाल के उसको कॉर्नर पे, अब चाहे उसमें कुछ भी, मैंने जैसे 2 बटन लगाए हैं कुछ भी करके, उसमें डोरी में डाल के, ये देखिए बटन लगाने, तो आपको जो भी अच्छा लगे। मैंने कलरफुल डोरी लगाई है, बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसमें कलरफुल डोरी लगाई है, और दोनों कॉर्नर्स पे, तो वो डोरी इसमें जब डालेंगे, ये देखिए डोरी ली है मैंने, वो पूरा उसमें डाल के अच्छे से, ये देखिए डाल दी, पूरी तैयार हो गया कैप। उसको जितना सिर में पहनना हो सबसे उसको टाइट करके खींच के बांध देंगे। ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत आसान है बनाने में। तो मेरे पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।